पंजाब में मनाया जा रहा है बैसाखी का त्यौहार। पंजाब के सीएम भगवंत मान बठिंडा के श्री दमदमा साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकने पहुंचे। तमिलनाडु में लोग मना रहे हैं नया साल। कोयम्बटूर के मुथु मरियम्मन मंदिर में को हीरे सोने और नोटों से सजाया गया। इस अवसर पर लोग करते हैं देवी अम्मन। असम में मनाया जा रहा है बिहू का त्यौहार। त्यौहार के पहले दिन पारंपरिक तरीके से लोगों ने मनाया बिहू। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा कार्यक्रम। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का दूसरा गुजरात दौरा। 18 अप्रैल से 3 दिन की यात्रा पर जाएंगे पीएम। बनासकांठा में 3 लाख महिलाओं को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का आज अयोध्या दौरा। रामलला के दर्शन करेंगे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और आईबी के डायरेक्टर अरविंद कुमार के श्रीनगर दौरे का आज दूसरा दिन। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। रामनवमी पर खरगोन हिंसा में घायल युवक शिवम को होश आ गया है। फिलहाल खतरे से बाहर है शिवम। इंदौर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। खरगोन में आज प्रशासन ने जुमे के रोज घर पर ही नमाज पढ़ने की अपील की। किसी को भी मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खरगोन में कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई। खरगोन में आज सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में छूट रहेगी। ये छूट महिला और पुरुष दोनों के लिए होगी। एमपी में खरगोन के आनंदनगर में रात 9:30 बजे पथराव की अफवाह के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। कुछ उपद्रवी दिखे, पुलिस को देखकर भाग खड़े हुए। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। प्रशासन ने अफवाह से सावधान रहने की चेतावनी। खरगोन हिंसा मामले में पीएफआई कनेक्शन सामने आया। एमपी बीजेपी अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा खरगोन हिंसा में पीएफआई का हाथ है। ये घटना पूर्व नियोजित थी। जिस प्रकार से खरगोन की जो घटना हुई, एक साथ इस प्रकार से आगजनी होना, पत्थरबाजी होना, ये सुनियोजित षड्यंत्र था। और इसमें कहीं ना कहीं मैंने पहले भी उल्लेख किया था कि इसमें कई प्रकार की ताकतें इन्वॉल्व हैं। पीएफआई से लेकर के और भी ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस प्रकार की अस्थिरता लाना चाहते हैं। सीसीटीवी में तलवार लहराते और पथराव करते दिख रहे दंगाई। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा खरगोन में स्थिति अभी नियंत्रण में। खरगोन हिंसा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा हिंदुस्तान को गली मोहल्ले में बंटने नहीं देंगे। कुछ लोग जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं, आप गली को बांट रहे हैं। क्या भारत में कोई बंटवारा हो गया? रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा के बाद खरगोन की गलियों में पसरा है सन्नाटा। एबीपी न्यूज की टीम ने रात में हालात का जायजा लिया। गश्त करता दिखा पुलिस का घुड़सवार दस्ता। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। खरगोन में एबीपी न्यूज की टीम ने रात में हिंसा की शुरुआत वाली जगह का दौरा किया। तालाब चौक इलाके में पिछले 6 दिन से रात में भी भारी पुलिस बल तैनात है। तकरीबन 4 बजे यहाँ से जो जुलूस शुरू होने वाला था इस तालाब चौक पे इकट्ठा हुआ था। काफी सारे डीजे, काफी सारे लोग यहाँ हुए थे। बहुत देर तक यहाँ शोर होता रहा और उसके बाद कथित तौर पर यहाँ पर पथराव शुरू हुआ। खरगोन में हिंसा के बाद कई इलाकों में वीरानी छाई हुई है। लोग अपना घर बार छोड़कर जा चुके हैं। हिंसा में खरगोन का भवसर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। मकान और दुकानें जली हुई हैं। मोहल्ले की महिलाओं ने सुनाई उस रात के आतंक की दास्तां। दुकान में आग लगाई उन्होंने, आग लगा के और अंदर घुस आए। दो बच्चे, ससुर जी बूढ़े, उन्होंने ऐसे ऐसे दरवाजा पकड़ा तो भी वो अल्लाह अकबर और ऐसे नारे लगा रहे और बच्चे डर गए हमारे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का हिंसा पर बड़ा बयान। कहा हमारी नजर में सब बराबर है, किसी भी जाति धर्म के हो, बदमाश और गुंडों को नहीं छोड़ेंगे। दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए नजर आए। कहा अगर राज करने वाले बुलडोजर चलाएंगे तो देश में संविधान का राज कहां रहेगा।
देश में एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं कोरोना के केस। एक्टिव केस 11,000 के पार, 24 घंटे में 949 नए संक्रमित मिले, 6 लोगों की मौत। दिल्ली में एक बार फिर से बढ़े कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में 325 संक्रमितों की पुष्टि, 20 अप्रैल को बुलाई गई डीडीएमए की बैठक। नोएडा और गाजियाबाद के बाद दिल्ली के स्कूल में भी मिले कोरोना संक्रमित, दिल्ली सरकार ने जारी की एडवाइजरी, कोरोना केस मिलने पर बंद होगा पूरा स्कूल या पूरी विंग। नोएडा में भी बढ़ रहे कोरोना के मामले, ज्यादातर बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, 24 घंटे में 44 लोग संक्रमित, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 121 तक पहुंचा। बिहार के सीतामढ़ी में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का बड़ा बयान, कहा कोयला की कीमत में बढ़ोतरी के चलते आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान में हो सकता है बिजली का संकट, संकट से निपटने के लिए बैठक की। गर्मी शुरू होते ही दिल्ली में पीने की पानी की परेशानी बढ़ गई है, द्वारका में करोड़ों के फ्लैट में रहने वाले लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। एक आरडब्ल्यूए के मुताबिक 1400 से ज्यादा फ्लैटों को हर दिन 700 लीटर के हिसाब से 10 लाख लीटर की जरूरत है। बीजेपी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा, कहा केजरीवाल जी अलग राजनीति करने आए थे, सब कुछ अलग हो रहा, उनके प्रदेश में पानी की समस्या विकराल। एमपी के राजगढ़ में भारी जल संकट, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं लोग, सूख चुके हैं कुआं और हैंडपंप, बैलगाड़ी पर वाटर टैंक में पानी लाने को मजबूर है लोग। मध्य प्रदेश के कटनी में पानी की समस्या से परेशान है लोग, शिवराज सरकार की अमृत जल योजना के तहत अब तक नहीं मिल रहा है पानी, लेकिन लोगों को आ रहा है पानी का बिल। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ हल्की बारिश से लोगों को मिली गर्मी से थोड़ी राहत। दिल्ली में जल्द ही गर्मी बढ़ने का अनुमान, मौसम विभाग के मुताबिक 17 से 19 अप्रैल दिल्ली एनसीआर में लोगों को लू के थपेड़ों का करना पड़ सकता है सामना। मैदानी राज्यों में गर्मी से पहाड़ों पर भी रौनक बढ़ी, भारी तादाद में पर्यटकों ने किया पहाड़ों का रुख, कालका शिमला हेरिटेज टॉय ट्रेन में लंबी वेटिंग। मॉनसून पर मौसम विभाग ने दी सबसे बड़ी खुशखबरी, इस साल सामान्य रहेगा मॉनसून, जून से सितंबर तक औसत 868 मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान, खेती में भी मदद मिलेगी। कर्नाटका के कद्दावर मंत्री ईश्वरप्पा आज सीएम बोम्बई को इस्तीफा सौंपेंगे, ठेकेदार की खुदकुशी मामले में मंत्री पर गिरी गाज, कहा पूरी घटना की जांच होनी चाहिए, मेरी गलती है तो उसकी भी जांच हो। कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, विधानसभा भवन के प्रदर्शन में शामिल हुए कई नेता। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से ईडी ने करीब 6 घंटे तक पूछताछ की, चन्नी ने कहा मुझसे जो पूछा वो बता दिया। ते जो मनु पूछा गया मैं वो दस देता, मैटर सब ज्यूडिशियस है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री का बड़ा बयान, कहा लाउड स्पीकर पर कोर्ट के आदेश का पालन करें। महाराष्ट्र में एमएनएस के मुस्लिम नेता और स्टेट सेक्रेटरी इरफान शेख ने छोड़ी पार्टी, राज ठाकरे के लाउड स्पीकर वाले बयान से नाराज हैं। अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने महिलाओं के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया, एबीपी न्यूज से कहा मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं लेकिन अपने धर्म का प्रचार करने का हक है। राजस्थान के करौली हिंसा में देवी बनी मधुलिका, हिंसा के दौरान 18 लोगों की जान बचाई, मधुलिका ने जान की परवाह किए बिना घर में हिंदू मुसलमानों को पनाह दी है। जेएनयू की कुलपति प्रोफेसर शांतिश्री पंडित का ताजा वीडियो सामने आया, वीडियो में कुछ छात्र हॉस्टल के एक तरफ डंडे इकट्ठा करते नजर आ रहे हैं जिससे लगता है कि घटना सुनियोजित थी। कुछ लोग बाहर से भी आए थे, तो बाहर मालूम नहीं आए नहीं आए, वो अब क्या आए होगा जांच के बाद ही, वो प्रॉक्टरल और हमारे पास कैमरा तोड़ दिया गए, सो कैमरा इंडिपेंडेंट कैमरा की एविडेंस नहीं है। जेएनयू के एबीवीपी अध्यक्ष रोहित कुमार की पिछली जुबान, एबीपी न्यूज के कैमरे पर कहा हमने कोई वॉयलेंस अब उस समय तक नहीं किया था।
हरिद्वार के एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा 15 साल में फिर बनेगा अखंड भारत, जो रास्ते में आएगा मिट जाएगा, सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। उत्थान के साथ भारत का उत्थान, ये प्रक्रिया चल पड़ी है और ये पूर्णता की ओर जाएगी। ABP News आपको रखे आगे।